brain. तुम एक बेकार स्लग हो। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हें गुनाहों के लिए बार बार सजा देना अच्छा नहीं लगता डॉक्टर ब्लैक, पर क्या तुम हार कर थक नहीं गए हो? बहुत ज्यादा, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे द्वंद युद्ध में हरा दो? बिल्कुल सही समझो। शांत हो जाओ बापी, तुम्हें भी मौका मिलेगा। तो क्या तुम मुझे बताओगी कि ये क्या हो रहा है या मैं खुद ही पता कर लूं? उसकी जरूरत नहीं विल्शेन, अभी दिखाता हूँ। क्या वो एक स्लग है? ब्लैक, तुमने क्या किया उसके साथ? मैंने इसे बनाया है, ये बहुत पावरफुल है, तुम इससे नहीं बच सकते। ऐसी ताकत आखिरकार मैंने कर दिया। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम स्लग से खिलवाड़ कर रहे हो, तुम पूरे स्लग टेरा को बर्बाद कर दोगे। ब्लैक, रोको इसे, तुम्हें इसे रोकना ही होगा। ब्लैक, ब्लैक, मेरे बेटे को ढूंढो, इलाज को ढूंढो, उसे वो खत दे देना। जाओ। बोपी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा ने भेजा है, सही कहा ना? बेटा इलाई, जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। शेन के परिवार का होने में कई खतरे हैं और ये उनमें से एक है। शेन के परिवार का साबित करने के लिए तुम्हें भी इस खतरे से गुजरना होगा। शेन के परिवार के कई सदस्यों ने स्लग टेरा के लिए अपनी जान खतरे में डाली है। अगर तुम भी अपने आप को साबित करना चाहते हो तो हमारी डील याद रखना। 15 साल का होने के बाद स्लग टेरा की सारी मुसीबतों और कठिनाइयों के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। वहाँ जाना आसान है पर वापस आना उतना ही मुश्किल होगा। अगर तुम जा रहे हो तो याद रखो कि तुम तब तक घर वापस नहीं आओगे जब तक तुम सारी चीजें सीख ना लो। मैं जानता हूं कि हमने एक साथ वहां जाने के बारे में सोचा था, पर अब तुम्हें अकेले ही वहां जाना होगा। मैंने तुम्हें स्लग टेरा के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, पर उसके अलावा भी कई चीजों से तुम्हारा सामना होगा। तुम जमीन से करीब 100 मील दूर नीचे तक का सफर तय करोगे, जहां अब तक सिर्फ कुछ ही इंसान जा पाए हैं। वहां एक सवारी मिलेगी जो तुम्हें सुरक्षित तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी। बस धीरज रखना। तैयार हो बॉबी?
वाह, स्लग टेरा, वो दुनिया जो जमीन के नीचे बसी है। आखिर मैं यहाँ पहुंच गया। स्लग टेरा पहुंचते ही उससे कुछ ही दूरी पर तुम्हें शेन परिवार का गुप्त स्थान दिखेगा। नए घर में जाने के लिए तैयार हो बॉबी? थोड़ा गंदा है ना? और वहां तुम्हें तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मिल जाएंगी। नए कपड़े पहनने का वक्त हो चुका है बॉबी। वहां तुम्हारा मशीनी जानवर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक्स पापा, पर मैं तो कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहा था। ओह, ये बढ़िया है। LKE मॉडल कैसा होगा अगर हम तुम्हें लकी बुलाए? मैं हमेशा से कुछ एक्स्ट्रा ब्लास्टर्स अपने साथ रखता हूँ, पर तुम्हें अपने खुद के स्लग्स ढूंढने होंगे। वही तुम्हारा सबसे जरूरी टास्क होगा। एलाई, स्लग्स यहाँ की हर चीज के ताले की चाबी है। वो गोला बारूद से कम नहीं है। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे ना। गोली नक्कू चलाओ। तुम कौन हो? मेरे बारे में पूछ रहे? पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मत भूलो, ब्लास्टर मेरे हाथ में है। तुम्हें तो मेरे जितना बहुत ही होशियार हो जी। मेरे को फ्रंटो बोलते हैं जी। हुकुम मेरे आका, मैं एक ट्रैकर हूँ, एक्सप्लोरर हूँ, टैलेंट का भंडारा हूँ ना जी। अच्छा, पापा ने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया? पापा, तुम्हारा तो शेन के परिवार से हो ना। मुझे बस एक मौका दो, मैं तुम्हें सारी बातें समझाता हूँ। देखो क्या है कि असली बात यह है कि मैं आपके पापा से कभी मिला ही नहीं ना। मिला होता तो वो मुझे अपनी टीम में लेने के लिए तड़प रहे होते ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्योंकि शेन के परिवार वाले के साथ एक टाइगर का होना बहुत जरूरी होता है ना जी। पापा ने तो कभी एक खोजी को टीम में शामिल करने का जिक्र नहीं किया था। मेरा सुंदर सपना टूट गया ना जी। हो सकता है हम दोबारा मिले। कभी तुम काली गुफा के वहाँ से गुजरो या उत्तर की तरफ से या आगा में कभी फंस गए तो ठीक है। लगता है एक खोजी शायद मेरे काम आ सकता है। वाह वाह, वैसे तुम्हारा फैसला बुरा नहीं है मेरे हम सफर। मेरा नाम इलाय है। आसान नाम है, आराम से बोला जा सकता है। एक बात कहूँ इलाय, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। बढ़िया, क्योंकि अगर हमें बुराई से लड़ना है तो हमारा सबसे पहला काम होगा स्लग्स को पकड़ना। शेन के परिवार से होने के नाते तुम्हारे पास बढ़िया स्लग होंगे जी। जरा हमको भी दिखाओ। क्या बात है, तुम तो बहुत बढ़िया हो, पर बाकी की तरह मेरे पास बस यही एक है। पर पता है बोपी कमाल का है। तुम्हारे पास सिर्फ एक स्लग है मियां? तुम्हें युद्ध में कुछ और अनुभवी स्लगों को जीतना होगा, और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ मिलेंगे। वो यहाँ का एक छोटा सा मुकाबला है, और तुम्हारे लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। तुम किसके इंतजार में हो? हमें स्लग जीतने हैं ना। वहाँ जाने से पहले मुझे सिर्फ एक चीज करनी है। मुझे कब से इस पल का इंतजार था। अब किस पल का इंतजार कर रहे हैं? उस स्लग को ब्लास्टर से शूट करने का मियां। बिल्कुल तैयार हो बॉबी? एक इन्फर्नो स्लग क्या? ओहो, क्या बात है बॉबी। अब बॉय प्रॉन्टो, जरा बताओगे कि इसे स्टार्ट कैसे करते हैं? फ्लरिंग गोस का एक झुंड, वहां देखो बॉबी। क्या तुम्हारे स्लग्स के नाम भी रखे हैं? तुम नहीं रखते? अरे खामोश रहो शरारती कहीं के। वैसे ये भी तो एक नाम है। पता है, मैं लोगों की चेहरा पढ़ के उनका भविष्य बता सकता हूँ, और तुम्हारा को देख कर लगता है कि यहाँ की बहुत सी चीजें तुम्हारे लिए नहीं है जी। वो क्या है कि मैं शेन परिवार के खुफिया गुफाओं में पला बड़ा हूँ। ये एक बड़ी लंबी कहानी है। ओ हाँ, मुझे पता है जी। शेन के परिवार के कई राज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम कहाँ से आए हो। इस दुनिया के बारे में कोई नहीं जान सकता एलाय। दोनों ही तरफ बराबर का खतरा है, और दोनों ही दुनियाओं को तुम्हें अलग अलग रखना होगा। वहाँ क्या हो रहा है प्रॉन्टो? वहाँ को मत देखो और चुपचाप चलो।
लगता है उस बेचारे को हमारी मदद चाहिए। वो क्या है कि शेन के परिवार से ना होने की वजह से उनकी शांति भंग हो गई है ना जी। अब क्या कहते हैं उसे, गवार लोग आ गए हैं ना। पर अब शूरवीर वापस आ गया है। देखो इसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। शेन के परिवार वाले मुकाबला हर वक्त सोच समझ के करते हैं जी। बस इतना ही दम है? तुम तो बहुत बड़े लूजर निकले। जाओ भागो यहाँ से। वो मेरा शिकार था। उम्मीद है कि तुम शेन के परिवार से हो गए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। वो मेरे पापा थे, मैं उनका अधूरा काम पूरा करने आया हूँ। ओह क्या ये सच है? मैं तो सिर्फ शेन के परिवार वालों से डरता हूँ, तुम तो एक बच्चे हो। मैं वो बच्चा हूँ जिसके हाथ में ब्लास्टर है। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? लगता है मैं ज्यादा बोल गया। शुक्रिया प्रॉन्टो। ये प्रॉन्टो कौन है? और एक बात बताऊं, ये जगह बिल्कुल ऐसे ही लोगों से भरी पड़ी है, तुम्हें होशियार रहना चाहिए। रुको, तुम कौन हो? अरे तुम यहाँ भी हो, लगता है तुम अभी से काम पर लग गए। इन सबसे दूर रहना। एक विल शैन बनने के लिए सिर्फ एक ब्लास्टर और मोलिनॉइड काफी नहीं है बच्चे। मुझे लगता था शूरवीर बनना सम्मान की बात होगी, पर उसने तो हमारा मजाक उड़ाया। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करे, तो तुम्हें उसे मुकाबले में हरा कर कमानी होगी, बिल्कुल मेरी तरह। अगर तुम्हारा ये मुकाबला जीत लिया तो लोगों को पता चल जाएगा कि शेन के परिवार में से कोई उन्हें बचाने वापस आ गया है। और अगर मैं नहीं जीता तो? तो इस दुनिया में बुराई हमेशा कायम रहेगी और तुम्हें लोग बेवकूफ समझेंगे। हालांकि मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, तुम्हें इस मुकाबले को बस जीतना ही जी। इलाई जरा देखो तो इसे, ये खुद को शेन के परिवार से समझता है। क्वालिफायर के लिए तुम्हारा मुकाबला आखिर में है, गुड लक, तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। क्वालिफायर? तुम्हारा बस एक छोटा सा द्वंद्व युद्ध करना है, तुम बिल्कुल घबराओ लक्को। ठीक है ठीक है, पहली बार द्वंद्व युद्ध करने में मजा आने वाला है। क्या क्या तुमने कभी भी द्वंद्व युद्ध नहीं किया है? पर तुम तो शेन के परिवार से हो ना। दरअसल ये एक लंबी कहानी है और मुझे नहीं लगता कि हमें बाकियों के सामने इसके बारे में बोलना चाहिए। नक्को बोलो। बिल्कुल नक्को जी, मैं बस जाकर किसी को ढूंढता हूँ जो तुमसे मुकाबला कर सके जी। एक्सक्यूज मी, तुम बीच में आ रहे हो? ओ, तुम तो वो ही हो ना। एक बार फिर शुक्रिया, तुमने मेरी तुम्हारी जान बचाने के लिए। डरो मत, मैं किसी से नहीं कहूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ इलाय ट्रिक्सी। तुमने कहा तुम शेन के परिवार से हो, क्या ये सच है? हाँ, मैं तो यहाँ सिर्फ कुछ स्लग्स जीतने आया हूँ ताकि बुराई से लड़ सकूँ और ऐसा ही कुछ। ये कैमरा किस लिए? इस द्वंद्व युद्ध की फिल्म उतार रही हूँ ताकि तुम्हारे दुश्मनों की तरकीबें जान सकूँ। वो कौन है? जॉन बुल। अगर मुकाबला जीतना है तो तुम्हें उसे हराना ही होगा। अब तक तो मुझे उसकी कोई भी कमजोरी नहीं मिली, वजह इसकी कि वो पूरा जोकर है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए? हाँ, बात यह है कि मेरा दोस्त मेरे लिए प्रतिद्वंद्वी ढूंढने गया है, अगर तुम चाहो तो लड़ सकती हो। और अपनी सारी ट्रिक्स तुम्हें सिखा दूं? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारी फिल्म उतार कर तुमसे ट्रिक सीखूंगी। मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त को कोई मिल गया है। मेरे हमसफर इलाय, मिलो कोर्ट सेंस जी। तो क्या ख्याल है जी? लगता है ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तुमने कहा मुझे शेन के परिवार वाले से लड़ना है, पर ये तो एक बच्चा है और तुम तो एक केव ट्रोल हो। जरा सोचने दो, शायद तुम अब मुझसे मुकाबला नहीं करना चाहते। मजाक कर रहे हो, मैं हमेशा से एक केव ट्रोल से मिलना चाहता था। केव ट्रोल से ज्यादा ईमानदार, शरीफ और बहादुर कोई नहीं होता, ऐसा मेरे पापा हमेशा कहते थे। लगता है उन्होंने कभी मोलिनॉइड्स के बारे में नहीं बताया जी। क्या शेन के परिवार वालों ने ये बताया? तो क्या इसका मतलब हम द्वंद्व युद्ध कर सकते हैं? जिसे चाहे चुन लो। फ्लॉपर्स? हाँ, बहुत अच्छे। नहीं जी, बुरे। फ्लॉपर्स किसी काम के नहीं होते। हर स्लग किसी काम का होता है,
तो तुम द्वंद्व युद्ध के बारे में क्या जानते हो? इसमें जानना क्या है, पहले अपने स्लग को चुनो फिर उसे ब्लास्टर में डालो। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार छूते ही वो ट्रांसफॉर्म होगा। ऐसा तब तक करो जब तक दुश्मन हार न माने। ये सब तो मेरे पापा ने मुझे कई बार बताया है। हाँ, पर सुनने में और लड़ने में बहुत फर्क है। इस कॉम्पिटिशन में तुम जीते तो तुम्हारे विरोधी का एक स्लग तुम्हारा हो जाता है, मतलब अगर तुम एक भी मैच हार गए, यहाँ तक कि क्वालिफायर भी, तो मैं बोपी को खो दूंगा। क्या तुम अब भी जोखिम उठाने के लिए तैयार हो? मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, है ना? नहीं। द्वंद युद्ध। ये ठीक नहीं है, मैं तैयार नहीं था। नहीं तो हमेशा तैयार रहना चाहिए। द्वंद युद्ध। एक तरफ खड़े रहो, इससे तुम्हें मारना मुश्किल होगा। क्या तुम्हें लगता है तुम्हें अपने प्रतिद्वंदी की मदद करनी चाहिए? क्या बात है, ये तो अभी से खुद को हीरो मानता है। द्वंद युद्ध। इतना बुरा भी नहीं था। हमेशा अपने दुश्मन को निशाना मत बनाओ, कुछ ऐसा करो जिससे वो उलझन में पड़ जाए। तुम्हारा मतलब कुछ इस तरह? यही तो मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, यही है ना जी, वो इलाइशन जिसको मैं बचपन से जानता था। अब ये अलग बात है कि हम अभी अभी मिले हैं। अच्छी चाल थी। हाँ? और ये देखो मेरा जांबाज फ्लैटुलोरिंकस। तुमने अब तक किसी द्वंद्व युद्ध में हिस्सा नहीं लिया? मैंने अपने पापा से वादा किया था, जब तक मैं 15 साल का नहीं हो जाता इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। इसका मतलब आज तुम्हारा बर्थडे है? कल था। मैं तुम्हारे बारे में कुछ कहना चाहता हूँ इलाय। माना कि तुम में इतना हुनर नहीं है, पर तुम में साहस बहुत है। तो तुम्हें लगता है मैं तैयार हूँ? बिल्कुल हो। शायद। मुझे नहीं लगता जी। फिक्र मत करो, तुम जीत जाओगे। मुझे तो उस पर तरस आ रहा है जिससे तुम्हारा मुकाबला होगा। अभी अभी जो मैंने तुमसे कहा वो सब एक मजाक था। तुम्हारा मुकाबला तो शॉक वायर से है। अगर तुम चाहो तो अभी पीछे हट सकते हो, बात समझ में आई? वो तुम्हें धूल चटा देगा। चलो भी दोस्तों, वो इतना भी शक्तिशाली नहीं लगता। तुम्हें क्या लगता है बोपी? वो सिर्फ टेजर लिंक्स का इस्तेमाल कर रहा है, और मुझे तो लगता है कि उसे बस यही एक चीज आती है। पर है कमाल का। वैसे मेरे पास भी कुछ कम ट्रिक्स नहीं है। अच्छा? हाँ बिल्कुल, तुम कुछ ट्रिक्स जानते हो ना? देखो मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे पता है कि। ओ ये क्या, उसका निशाना तो बिल्कुल अचूक है। पता है टेजर लिंक्स बहुत ही बहादुर स्लग्स होते हैं, पर ब्लास्टर ओवरलोड हो जाए तो वो मिस फायर करते हैं। क्या सच में? सब कहते हैं कि तुम शेन के परिवार से हो। सही कहते हैं, लेकिन मुझसे लड़ने के लिए सिर्फ एक फ्लोरिंग और कुछ फ्लॉपर्स ही काफी नहीं है। हाँ तो तुम पागल हो, बेवकूफ हो, या फिर दोनों हो? कोई और चॉइस नहीं है क्या? शुरू करो। इतनी जल्दी भी क्या है बोपी, सही वक्त आने दो। चलाओ। पता नहीं वो अपने इन्फर्नस क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा। इलाय तुम फ्लॉपर से कभी भी उसे हरा नहीं पाओगे। एक मिनट रुको, मैं समझ गई वो क्या कर रहा है। शॉक के लिए तैयार हो जाओ बच्चे, बस थोड़ी देर और।
वो इंतजार कर रहा था कि कब एक टेजरलिंग मिस फायर करे। तैयार हो जाओ बॉपी, अभी। रोको इसे, मैं हार गया, तुम जीत गए। हमें विनर मिल गया है, इस मैच का विनर है शेन के परिवार से इलाज। जीत गए। तुम सच में एक विनर हो। शॉकवायर, यहाँ आकर इसे इसका इनाम दो। आता हूँ, लो चुन लो। ओहो, सब के सब अच्छे दिख रहे हैं इलाय, सोच समझ कर ही चुनना। हाँ नहीं कॉर्ड, मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है। तो तुम तीनों में से कौन मेरे साथ आना चाहता है? मैं शेन के परिवार से हूँ, जैसे ये कंपटीशन खत्म होगा हम एक हसीन सफर पर निकल पड़ेंगे। क्या जी, तुम सलाह से पूछ रहे हो? ऐसा तो कोई नहीं करता। टीम में स्वागत है छोटे मियाँ, क्या हम तुम्हारा नाम जूल्स रखें? ये बोपी है। तुम बहुत अच्छे हो, अब पर ये मत भूलो कि तुम्हें कंपटीशन में हो। और इसे कोई एहसान मत समझना, हम सब यहाँ जीतने आए हैं। तो फिर तुम्हें जल्दी करनी होगी, क्योंकि पहला राउंड आज रात स्कॉच स्पार्क्स केविन में शुरू होगा और तुम्हारा मुकाबला है इनसे। डॉक्टर ब्लैक, आपको ये देखना चाहिए, इसमें हेरिंग बोन केविन में हुई एक स्लग स्लिंगिंग मैच की फुटेज है। मैं भला ये फुटेज क्यों देखूं? ये मेरे किस काम की? क्योंकि इसमें एक लड़का कहता है कि वो शेन के परिवार से है, क्या ये सच होगा? और अगर है भी तो हमें विल शेन के परिवार वालों से निपटने के तरीके आते हैं। मेरा नाम है इलाय शेन और कल मैंने स्लग टेरा का सफर तय किया, जो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। हमें यहाँ सेफ रहने के लिए स्लग स्लिंग करने पड़ते हैं। मेरे नए दोस्तों की वजह से मैं इस कंपटीशन में पहुँचा हूँ, जहाँ मुझे कुछ स्लग्स जीतने होंगे। तुम जल्दी करो, पहला राउंड आज रात स्कॉच पार्क गुफा में शुरू होगा। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ जीतना है। बाबा रे, शुक्रिया प्रोटो। हाँ, ये चट्टाना पे चढ़ना आसान काम नहीं है। मैं अभी गिरने वाला था, वो भी चौथी बार। वो तो तुम मेरे हुनर की वजह से बच गई जी, वरना यहाँ तक लाना किसी आम आदमी का काम नहीं है। बढ़िया। तुम दोनों अब तक कहाँ रह गए? मोल्टन लावा, रेजर शार्प क्लिफ्स और एक सुस्त मोलेनॉइड, जिसकी वजह से हमें देर हो गई। क्या, मैं तो तेज चला था ना। पर तुम सीधे रास्ते से क्यों नहीं आए? क्या यहाँ आने के लिए रास्ता भी है? आज अब मेरे साथ हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो बस तुम्हारी बुराई से लड़ने के लिए तुम्हें ट्रेन करना चाहता था। अच्छी बात यह है कि तुम पहुंच गए, अब सवाल यह है कि तुम्हारा मुकाबला किससे है। संभल कर लड़ना, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। ये लावा लेस तुम्हें जलाकर राख कर सकते हैं। हाँ जी, अरे बाप रे,
वैसे ये बहुत खतरनाक था पर साथ ही उतना ही मजेदार भी। द्वंद्व युद्ध के लिए ये हमेशा ऐसी खतरनाक गुफाएं चुनते हैं क्या? अरे पागल मत बनो, टूर्नामेंट का हर एक मुकाबला अलग अलग गुफा में ही होता है। शायद सबसे खतरनाक गुफा उन्होंने फाइनल मैच के लिए रखा होगा। हे गॉड, सब लोग किस लिए खड़े हैं? तुम्हें नहीं लगता कि हमें मुकाबले की तैयारी करनी चाहिए? यही तो प्रॉब्लम है, मैच किस से है और किस तरह की है ये वो मैच शुरू होने से पहले नहीं बताते। क्या पता मुझे शायद एक शार्प शूटिंग मुकाबला करना पड़े या किसी मशीनी जानवर से लड़ना पड़े, कुछ भी हो सकता है। वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं अपनी भविष्यवाणी जानने की कला से तुम्हें सब कुछ पहले ही बता दूंगा ना। अटेंशन, टूर्नामेंट का पहला राउंड वन ऑन वन फाइट होगी। ध्यान से सुनो, ये वन ऑन वन फाइट है, तगड़ा मुकाबला। बताने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है ना दोस्त। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हें लावा से परेशानी नहीं होती? अब नहीं बचोगे, ये वाला मैंने सबसे आखिर के लिए रखा था। मैंने भी हमें हमारा विनर मिल गया, इलाइशेर, जो चाहे ले लो मिस्टर शेर। मुझे पता है तुम कौन सा चुनोगे, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। तुम्हारा ट्रेशर बहुत अच्छा स्लग है पर मैं उसे नहीं लूंगा। मुझे भी उतना ही बुरा लगेगा अगर किसी ने बोपी को मुझसे ले लिया। तुम एक आर्म शल्ट हो है ना? मैं किसी मुकाबले में तुम्हें तोप के गोलों की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो क्या कहते हो? मैं तुम्हें बुलाऊंगा बैंगो, तुम्हें पसंद आया ना? तो मेरे पहले मैच की शुरुआत बढ़िया रही है ना प्रॉन्टो? प्रॉन्टो तो तुम यहाँ हो? हाँ बोलो, मैं यहाँ हूँ। तुम हार गए तो मैं कोई नई नौकरी नहीं ढूंढ रहा, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम जीत गए हो, तो क्यों ना हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाना बंद कर देंगी और आगे के मुकाबले के बारे में सोचें। मैं भी मेरा पहला राउंड जीता हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानता, हटो सामने से। क्या मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारी जीत पर मैं कितना खुश हूँ? और अगला मुकाबला है द किंग ऑफ स्विंग का, प्रिटी स्विंग से। अब अपनी हार मान लो किंग ऑफ स्लिंग के सामने। ये तुम्हारी पत्तक के लिए। ये फड़फड़ाने के लिए। और इस वाले से मेरी जीत पक्की। क्या बात है? पर लगता है कोई हार गया है ना? सही कहा, तुम्हें देखना चाहिए था कैसे मैंने उसे धूल चटाई। डॉक्टर ब्लैक, कितनी बार कहा है कि जब काम कर रहा हूँ तो डिस्टर्ब मत करो। स्लग स्लिंगिंग टूर्नामेंट के बारे में बात करनी है। और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? वो छोटा शेन अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ। सूत्रों ने बताया कि वो बहुत अच्छा खेलता है। आपको नहीं लगता कि वो हमारे लिए एक मुसीबत बन सकता है? 10 साल बाद शायद। बॉस, पर क्या आप चाहते कि मैं उस पर अभी भी नजर रखूं? निकलो यहाँ से। मैं समझ गया मुझे क्या करना है। कम ऑन दोस्तों, और तेज। हम अभी तक रॉक लॉक गुफा के आधे रास्ते तक भी नहीं पहुँचे और मुकाबला बस आधे घंटे में शुरू होने वाला है।
गॉड, मैं तुमसे पूछने ही वाला था, केव ट्रोल्स असल में बहुत अच्छे इंजीनियर्स होते हैं ना? ओ, अब मैं खुद की क्या तारीफ करूं? तो फिर तुम स्लग स्लिंगा क्यों बने? मेरा समुदाय चाहता था कि मैं अपने डैड का बिजनेस संभालूं। आज हम जितने भी ब्रिज इस्तेमाल करते हैं वो मेरी ही फैमिली ने बनाए हैं। पर पत्थर तोड़ने से कहीं ज्यादा मजा स्लग स्लिंगिंग में ही आता है, क्यों? हाँ बिल्कुल सही कहा जी, और मैं एक बहुत ही बेहतरीन ट्रैकर परिवार से हूँ ना। तुम्हारी क्या कहानी है ट्रिक्सी? कुछ खास नहीं, मैं थक चुकी थी ये देखकर कि कुछ बदमाश मेरे घर में घुसकर परेशान कर रहे थे। आखिर शेन की जगह किसी न किसी को तो लेनी ही थी, और मेरे अलावा कोई भी इस काम को करना नहीं चाहता था। इसलिए मैं फिल्म बनाती हूँ ताकि लोगों को पता चल सके कि स्लग टेरा में क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा। और एक्सप्लोर करना मेलेनाइट की सबसे बड़ी कला है जी। इससे मुझे याद आया, हम सब आखिर है कहाँ प्रॉन्टो? मैं तुम्हें एक शॉर्टकट से लेकर आया हूँ ना। वो तो शैडो क्लैन मार्किंग्स है, क्या ये उनका इलाका है? है नहीं था, पर अब कई सालों से उनको किसी ने नहीं देखा। दोस्तों मुझे लगता है अब वो वापस आ गए हैं। कौन? शैडो क्लैन? मुझे हमेशा से उन्हें देखना था। और अगर तुम उनके जरा भी नजदीक गए तो तुम उन्हें पहली और आखिरी बार देखोगे। तो अब क्या करें? भागो, भागो जी। इलाई, क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से। तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं उनका ध्यान बटाता हूँ। ये एक अच्छा आइडिया नहीं था। क्या हमें उसे बचाना चाहिए? अपना कमाल दिखाओ बॉबी। सोच क्या रहे थे? पता नहीं मैं क्या सोच रहा था। मेरे डैड कहते थे कि उनसे निपटना आसान है। जब वो गुफा की रक्षा करते थे तब उनका हमेशा इनसे सामना होता था। हाँ, पर तुम्हारे डैड थे विल शेन और तुम बहुत बड़े पागल। रॉक लॉग गुफा, उम्मीद है कि इस राउंड में कुछ अच्छा होगा। और अगला राउंड है 3-on-3 टीम फाइट। अपने अपने पार्टनर चुन लो। तो क्या ख्याल है? ओ चलो भी, ये इतना भी बुरा नहीं है। अपने आप को बचाओ, यहाँ पर आओ। वैसे ये तीनों है कौन? ये तीनों पावर ट्रिपलेट्स हैं। लोग इन्हें पावर ट्रिप्स भी कहते हैं। ये जब से पैदा हुए हैं तब से ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ये तीनों कुछ करने से पहले ही जान लेते हैं कि उन्हें करना क्या है। तुम सवा मैच का मजा ले रहे हो। वो भले ही विल शेन का बेटा है पर उसे ये सारी चीज़ मैंने ही सिखाई है ना। सिर्फ यही छोड़ दो और वो भी उस पर फिर से हिट मारो ब्रदर। ठीक है सिस्टर। वो रुको, उन तीनों में से एक लड़की है। हमें भी उनकी तरह एकजुट होकर लड़ना चाहिए। अपने स्लग्स दिखाओ। कॉर्ड, तुम फॉस्फोरो का इस्तेमाल करो। ट्रिक्सी, आर्किंट हमारे काम आएगा। उसके बाद बारी है बैंगा की। एक नए स्लग को समझने में कई हफ्ते लग जाते हैं इलाय, और कभी कभी तो महीने। और तुम शूट तो कर लोगे पर अंजाम देना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि तुमने जो स्लग जीता है वो वैसा ही करे जैसा तुम चाहते हो। मैं जानता हूँ मैं ये पहली बार कर रहा हूँ, पर मुझे इस पर पूरा भरोसा है। कॉर्ड, तुम उनका ध्यान खींचो, फिर मेरे इशारे पर इंतजार करना। जाओ। उम्मीद है हम इसमें कामयाब होंगे। वो देखो। अभी देखा,
फाइव। ओ चलो भी, सब लोग देख रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। गुड, हमें आगे भी इसी तरह खेलते रहना चाहिए। ये बात गलत नहीं होनी चाहिए मॉरिस, मेरा वक्त बहुत कीमती है। ड्राइवर रॉकलॉफ गुफा ले चलो, डॉक्टर ब्लैक को स्लग मैच देखनी है। तो चलो देखते हैं कि इस नए शेन में कितना दम है। Congrats. Thanks. मैंने अभी सुना, मुझे माफ करना। नहीं, मैं जीत गया, मैं फाइनल्स में हूँ। हाँ, और तुम्हारा मुकाबला जॉन बुल के साथ है। देखो उसने मेरा क्या हाल किया है। तुम में हुनर नहीं है और ना ही तुम में वो बात है जिससे तुम उसके रामस से लड़ सको। मुझे ये कहने में खुशी नहीं हो रही, पर वो तुम्हें हरा देगा इलाय। इलाइशन ऑटोग्राफा नहीं दे रहा, कोई बात नहीं ना, उसकी जगह मैं दे दूंगा। The Slug Tyrrhenian Express? और इसमें देखो पैसेंजर कौन है? डॉक्टर ब्लैक, वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? तुम में से इलाइशन कौन है? शांत रहो बब, वैसे ये है कौन? डॉक्टर थाडियस ब्लैक, तुम्हारे पापा ने कभी बताया नहीं? लोग कहते हैं कि आखिरी बार तुम्हारे डैड को इसी ने देखा था। अभी अभी जो तुम्हारे दोस्तों ने कहा वो सच है, विल शेन एक सच्चा हीरो था। आज मैं उन्हीं की वजह से जिंदा हूँ। क्यों ना हम कहीं और चलकर बात करें? मेरे दोस्त भी मेरे साथ आएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। घबराओ मत दोस्तों, हम सिर्फ बातें करेंगे। खुद की ट्रेन होने का फायदा यह है कि तुम कभी भी और कहीं भी बड़े आराम से सफर कर सकते हो। कितना सॉफ्ट है जी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में तैर रहा हूँ। तो विल्शन का एक बेटा भी है? मुझे तो पता ही नहीं था। शेन के परिवार के काफी राज हैं। क्या आप मेरे पापा के दोस्त थे? दोस्त ऐसा कह सकते हो, पर तुम्हारे पापा और मेरे बीच कुछ गलत फहमियाँ थी, पर वो तो पुरानी बातें हैं। अब हम दोनों एक नई दोस्ती की शुरुआत कर सकते हैं। क्या पता आगे चलकर एक साथ काम करें। मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास लक्स की कमी है, इसे मेरी तरफ से एक तोहफा समझो। उस लक्स को क्या हुआ है? क्यों, मैंने उसे और बेहतर बनाया है। हाँ, लेकिन मेरी पहली कुछ कोशिशें ज्यादा कामयाब नहीं रही, पर अब ये मेरी रचना है। ये कोई रचना नहीं है, तुमने इसे बना दिया है एक तरह का गूल। गूल अच्छा नाम है। तुम स्लग्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो यहाँ के हर ताले की चाबी है। तुम स्लग तेरा को बर्बाद कर दोगे। ये मैं पहले भी सुन चुका हूँ। मैं ही बेवकूफ था जिसने सोचा कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे। अब जाओ यहाँ से। इस छोटे से मुकाबले में तुम भले ही खुद को हीरो समझ रहे हो, पर अगर फिर कभी मेरे रास्ते में आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, शायद बोपी जानता है और वो तुम्हें पसंद नहीं करता, और ना ही मैं यहाँ का नया शेन बनूंगा। इसकी आदत डाल लो। वो सिर्फ एक बच्चा है, उससे हमें कोई खतरा नहीं बॉस। पर ये मत भूलो कि वो भी एक शेन है, और जब लोगों की रक्षा ये नया शेन करेगा तब ये हमारा काम बिगाड़ सकता है। डॉक्टर ब्लैक, आपको क्या चाहिए?
कि तुम आज के फाइनल्स में जीतो। पर मेरी लड़ाई एक बच्चे से है। एक बच्चे से नहीं, एक शेन से है। एक शेन को कभी कम मत समझना। मुझे तुम्हारे ये स्लग्स नहीं चाहिए। अपनी हद में रहो, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम इसे उस बच्चे के खिलाफ इस्तेमाल करोगे। जो भी हो अपने डैड की वजह से हो, उन्होंने ही तुम्हें सिखाया होगा। शायद तुम नहीं जानते, मेरे पापा कब के जा चुके हैं और मुझे ये चलाना किसी ने नहीं सिखाया। इलाई, बात कम करो और याद करो जो मैंने तुम्हें सिखाया है। जरा फिर बताओगे? ब्लास्टिंग करते वक्त बात मत करना। बहुत हुआ। शाबाश इलाय। आखिरी शॉट है बोपी, जीत कर ही आना। माफ करना दोस्तों, किसी एक को जाना होगा। मुझे तुम्हारे स्लग्स नहीं चाहिए, ये मेरे लिए काफी है। ये तो घूल है, ब्लैक ने तुम्हें दिया है ना? तुम्हें इससे क्या, भागो यहाँ से। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मेरे पास ऐसा कई और भी है। अगर तुम भी एक शेन बनना चाहते हो तो बेटा, स्लग टेरा की हिफाजत करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम एक शेन हो, तुम मेरे अच्छे बेटे हो। जो भी तुम्हारी मर्जी हो, मुझे तुम पर नाज है। मैं पूरी जिंदगी स्लग्स को स्लिंग करके एक शेन बनना चाहता था, और मैंने सोचा था ये सब मैं अपने पापा के साथ करूंगा, लेकिन अब ये सब मुझे अकेले ही करना होगा। देखो, तुम अकेले कुछ नहीं करोगे, क्योंकि ये ब्रॉन्टो इस सफर में तुम्हारी मदद करेगा ना जी। और मैं तुम्हें हर मुश्किल से बचाऊंगा, कभी भी कहीं भी। और मैं स्लग टेरा के लोगों को ये बताऊंगी कि शेन के परिवार से कोई वापस आ चुका है। इसमें बहुत खतरा है। हमें खतरों से खेलने की आदत है। मेरे साथ रहोगे तो खतरा बढ़ता ही जाएगा। मैं हर रोज ऐसे ही जीता हूँ। हमें उस डॉक्टर ब्लैक के पास जाना होगा, वो और मासूम स्लग्स को गूल बनाए इससे पहले उसे रोकना होगा। ये हुई ना बात। ठीक है, हम है शेन गैंग, तो कहां से शुरुआत करें? कोई बचाओ मुझे। शायद हमें जवाब मिल गया। चलो चलें।